Hello everyone, today we are going to start the chapter lines and angle exercise 6.3, chapter number 6, exercise 6.3. As you people know, we have done the previous exercise of this, that is exercise 6.3, right? So let's see what our question number 1 of exercise 6.3 is saying to us. In the figure, side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. The side QP is produced to S and RQ is produced to T. See, QP is produced to S, QP is produced to S and RQ is produced to T, right? तो अब हमने ये हमारे पास साइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करी हुई हैं एस तक और टी तक. जो एंगल पी क्यू टी है वो हमें 110 दे रखा है, जो एंगल एक्स एस पी आर है वो हमें 135 दे रखा है. तो जब हमने एंगल कैलकुलेट करना है वो कौन सा एंगल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू, राइट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, वी हैव टू फाइंड. So to calculate this angle, we need to find the other two angles of this triangle. ये वाला angle और ये वाला angle हमें find out करना है, right? इसका मतलब equal मत समझ लेना, ये हमने find out करने के लिए निकाला ये angle और ये angle निकालना. अब ये angle कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला angle देखते हैं. ये angle देखो, angle this angle, राइट? ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है और ये भी लीनियर है. आपको पता है इसका एंगल का सम भी, इसका भी 180 होगा और इसका भी 180 होगा. 180 में से 135 माइनस करेंगे ये वाला एंगल आ जाएगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एंगल को फाइंड करने के लिए. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज वी नो एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एस पी आर मीन्स दिस एंगल, क्यू पी आर मीन्स दिस एंगल. द सम ऑफ दिस इज 180 डिग्री. वाई? बिकॉज इट इज लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है? तो एस पी आर प्लस क्यू पी आर किसका किसके इक्वल हो रहा है, 180 के इक्वल हो रहे हैं. तो कितना आ गया, 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 डिग्री. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर, इट विल बी 45 डिग्री. तो ये हमारे पास एंगल क्यू पी आर कितना आ गया, 45 डिग्री, राइट? हमने ये निकालना है ना, हम बाद में देखते हैं. अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे. ये कितना आएगा, ये भी हमारे पास पी क्यू आर पी क्यू टी ये वाला एंगल और पी क्यू आर ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज अगेन लीनियर पेयर. क्या हो गया हमारे पास, लीनियर पेयर. अब हमारे पास जो पी क्यू टी है, देखो पी क्यू टी कौन सा, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 110. 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 110 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, राइट? सो द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस पी क्यू आर कितनी आ गई हमारे पास, 70 डिग्री. अब हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, ये वाली जो ट्राइंगल दे रखी है हमारे पास, उसके हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक 45 एक 70. थर्ड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री.
ठीक है, हमें पता है हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री. मीन्स क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर. क्यू पी आर कितना है हमारे पास, QPR की वैल्यू है 45 डिग्री और PQR की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 45. तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, इसमें साइड में रीज़न लिख देना आप कि ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टी ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल, राइट. तो ये हमारा रीजन हो गया इसका 180 वाले का. तो ये हमारे पास एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115. तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस करा तो आंसर आ गया 65. तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 65, करेक्ट. सो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वी गॉट, दिस एंगल वी गॉट इज 65 डिग्री, राइट. इसको हम वैसे नंबर में लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 65 डिग्री. यही हम निकालना था. नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नाउ वील प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3. लेट्स सी व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग टू अस. इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 62 एंगल एक्स. दिस एंगल इज गिवन टू अस विद द वैल्यू ऑफ 62, राइट. एट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू दिस होल एंगल, दिस होल एंगल, दिस होल एंगल इज इक्वल्स टू 54. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स, दिस वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल. अगर ये बाइसेक्टर है तो ये इन दो एंगल्स को क्या करिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल क्या करता है, दो एंगल्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. एंगल वन एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, अगर वो हमारे पास क्या होगा, बाइसेक्टर. तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें उन्होंने बोला है वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड ओ जेड वाई. ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल हमने निकालना है, ओ जेड वाई, और एक एंगल निकालना है वाई ओ जेड, दिस एंगल. तो हमें ये दो एंगल्स को निकालना है, राइट. तो हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. ये हम निकाल सकते हैं, ये देखो हमारी पूरी ट्राइंगल जो है उसके दो एंगल्स हमें दे रखे हैं, एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये. तो ये हम निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, हम कौन सी प्रॉपर्टी से, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से निकालेंगे. उसका क्या फॉर्मूला लगेगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, मीन्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड का सम हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री. तो ये हम लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है. तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी. अब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स वाई जेड मीन्स ये सेंटर वाला एंगल कितना है हमारे पास, 54 डिग्री. कितना है, 54. और हमारे पास एंगल वाई एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 62.
तो ये कितना आ गया 62 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स कितना आ गया 180 डिग्री. तो एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 प्लस 62 राइट. तो अब हमारे पास ये कितना आ गया 180 माइनस 116 डिग्री माइनस कर दिया तो आंसर कितना आएगा हमारे पास y z x की वैल्यू कितनी आ गई 64 डिग्री. तो ये हमारा जो टोटल एंगल है वो कितना आ गया 64 डिग्री राइट. अब हमने ये वाला एंगल निकालना है तो अंदर वाली ट्राइंगल देखो, ये छोटी वाली ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल्स देख रहे हो आप, ये छोटी वाली ट्राइंगल. अब ये अंदर वाला जो एंगल आएगा हमारा ये और ये कैसे आएगा 54 का हाफ करेंगे बिकॉज ओ वाई और ओ जेड हमारी एंगल बाइसेक्टर है. तो अगर हम 54 का हाफ करेंगे अंदर वाला एंगल निकालने के लिए तो ओ वाई जेड आ जाएगा, 64 का हाफ करेंगे तो ओ जेड वाई आ जाएगा. तो अब हमने अंदर वाले ट्राइंगल्स की वैल्यू को निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे देखो. एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई का हाफ बिकॉज इट इज द एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, क्योंकि ओ जेड हमारी क्या है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एक्स जेड वाई. तो अब हमने क्या करा, एंगल एक्स जेड वाई हमारे पास 64 था, 64 को 2 से करा डिवाइड तो आंसर कितना आ गया 32 डिग्री. तो जो अंदर वाला एंगल हमारा आया वो कितना है हमारे पास 32 डिग्री. ऐसे ही ओ वाई बाइसेक्टर है हमारे पास एक्स वाई जेड का. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है जो अंदर वाला ट्राइंगल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, एंगल ओ वाई जेड इज़ हाफ ऑफ एंगल ओ वाई एक्स वाई जेड, हाफ ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड कितना था हमारे पास 54 का हाफ कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27 डिग्री. तो ये जो इंटरनल एंगल हमारे पास छोटी वाली ट्राइंगल का आ गया 27. अब हमने ये जो ट्राइंगल ले रखी है ये वाली, इसका एक एंगल है 27, एक है 32. तो ये निकालोगे कैसे निकालोगे, वही एंगल ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड क्या करेंगे, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल जेड ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न वही रहेगा हमारा, दैट इज एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल राइट, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी कितना आ गया 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दोनों को हमने कर दिया ऐड, कितना आ गया 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 59 डिग्री. एंगल 180 डिग्री माइनस 59 कितना आ गया 121 डिग्री. सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 121 राइट. इसको रब करके लिखते हैं दोबारा से, देखो कितना आ गया, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 121 डिग्री राइट. तो ये एंगल जो है हमारा कितना आ गया 121 डिग्री राइट. ये हमने कैलकुलेट करना था. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड. So let's see what a question number third is saying to us. In the given figure, if AB is parallel to DE and angle BAC is equal to 35 degree and angle CD is equal to 53, find angle DCE. Right?
अब हमारे पास क्या है, ये रे दे रखी है ए बी, दूसरी है डी ई, एंगल बी ए सी, बी ए सी कितना दे रखा है 35, और हमारे पास सी डी ई कितना दे रखा है 53। हमने फाइंड आउट करना है डी सी ई। अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास जेड बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है बीच में ए ई वाली, और ये ट्राइंगल बन रहा है 35, ये है, ये भी 35 होगा, जेड बन रहा है, जेड वाले एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, एंगल कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला प्लस ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल है, ए वाला एंगल ई वाले एंगल के, बी ए ई इज इक्वल्स टू ए ई डी, ठीक है। तो हमने लिखा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 35, हमारे पास एंगल सी ई डी जो है वो 35 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास 35 डिग्री दे रखा है। तो ये बी ए सी हमारे पास 35 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारे पास एंगल सी ई डी भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। अब हम ये वाली ट्राइंगल देखते हैं, अपनी ये वाली ट्राइंगल, दूसरी वाली, ये देखो ये वाली ट्राइंगल देखते हैं। देखिए हमने ये वाली ट्राइंगल, इसका ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला भी पता है, थर्ड वाला एंगल निकाल लेंगे वही एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट, ठीक है। एंगल सी डी कितना है हमारे पास 53 डिग्री, सी ई डी कितना है 35 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इनको करा प्लस कितना आ गया 88, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस करा हमारे पास वैल्यू आ गई एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 92 डिग्री, राइट। तो ये हमारे पास एंगल आ गया ये वाला 92 डिग्री, राइट। तो 6.3 में हमने जो बार बार प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कि हमारे पास अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, और ये उसके एंगल है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तो हमारे पास जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारे ट्राइंगल्स के कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 ये वाला, एंगल 2 ये वाला, एंगल 3 ये वाला, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो ये हम प्रॉपर्टी बार बार इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आपने एप्लीकेशंस करी इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के कल, अभी आप इतने क्वेश्चंस को क्या कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। थैंक यू।